अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आई फिर हल आया आपके लिए न्यू वीडियो। और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे आप जानते हैं कि विंटर का सीज़न आ रहा है और हमारे हेयर प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगे, जैसे कि ड्राई हमारे हेयर हो जाएंगे, डैंड्रफ, हेयर फॉल और फ्रिजीपन का इशू हो जाएगा। और बालों को फ्रिजीपन ख़त्म करने के लिए आपको बालों को स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी बनाने के लिए नहाने के बाद सीरम अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ आपके साथ एक सीरम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और इस सीरम को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले। चले सीरम पर बात करने से पहले एक छोटा सा काम करते जाइएगा, रिक्वेस्ट समझ लें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ रिमोन का हेयर सीरम है। मैं इस सीरम को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और हम ऐसे भी काफ़ी लोग होंगे जो इस सीरम को यूज़ कर रहे होंगे और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये सीरम हमारे बाल डैमेज बालों को रिपेयर करता है, बालों का फ्रिजीपन ख़त्म करता है, बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है। ये सीरम आपके बालों को बहुत ही सिल्की बना देता है। उसके बाद इस सीरम के अंदर विटामिन ई मौजूद है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ये आपके जो बाल टूट रहे होते हैं उनको भी रिपेयर करता है, रिड्यूस करता है। और ये विटामिन ई को अपने वेट हेयर पर लगा सकते हैं। ये आपके बालों को फ्रिजीपन और ड्राइनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, उसको भी बहुत हद तक कम करेगा। आप विटामिन ई का कैप्सूल लेके और वेट बालों पर उस पर लगाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, ये सीरम आपके हमारे बालों के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा आपके बालों पर और इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मुझे मिला अभी तक। मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया, आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक मेरा कम भी हो चुका है और काफ़ी यूज़ करने के बाद आपके साथ इसके रिजल्ट शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये सीरम आपको 300 से 400 तक का मिल जाएगा। 400 ml की ये बोतल है और किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, बिलीव में बहुत ही कमाल की रिजल्ट देता है। इसको आपने नहाने के बाद वेट हेयर्स पर अप्लाई करना, मतलब ना ज़्यादा आपके बाल गीले हों ना ही ज़्यादा ड्राई हों, और आपने मतलब समझ जाया के। और क्वांटिटी आपने अपने बालों के हिसाब से ले सकते हो और क्वांटिटी आप अपने बालों के हिसाब से भी ले सकते हैं। इतनी क्वांटिटी लेनी है कि आपके बालों पर अच्छे से अप्लाई हो जाए और थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर आप अपने बालों हाथों पर, दोनों हाथों पर लेकर दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब कर लें, अपने बालों की लेंथ पर अप्लाई करें और जिस तरह से कॉम करते हैं इस तरह से आपने अपने दोनों हाथों की शेप बनाकर अपने बालों में सीरम लगा लेना है। और अपने बालों की रूट्स में सीरम को अप्लाई नहीं करना, आपने सिर्फ अपने बालों की लेंथ में इसको अप्लाई करना है या बालों के ऊपर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसको अपने हेयर्स को, हेयर्स पर सीरम को स्ट्रेटनर अपने बाल स्ट्रेट करने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका जो काफ़ी लाइट वेट है ये सीरम और इंस्टेंटली रिजल्ट आपको दे देता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो फीडबैक में आके अपना कमेंट बॉक्स में आके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप आके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम फुल कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक पर वीडियो ले आएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।